તમને કોઈ અજાણ્યા નંબર પરથી કોલ આવે છે, પોલીસની ઓળખાણ અપાય અને કહેવામાં આવે કે તમારો દીકરો દીકરી કે સંબંધીને ડ્રગ્સ અથવા રેપ કેસમાં અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે, તો જરાય એટલે જરાય ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ કોલ માત્ર ને માત્ર તમને લૂંટી લેવા માટે આવ્યો હોય છે. કોઈ પણ અજાણ્યો વ્યક્તિ પોલીસની ઓળખ આપીને તમારી સાથે કંઈક આ રીતે વાત કરી શકે છે. એકવાર આ કોલ રેકોર્ડિંગ સાંભળી લો. હેલો. હેલો જી, નમસ્તે. નમસ્તે, इंस्पेक्टर विजय कुमार बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन सदर थाने से. अरे हाँ बोलिए. सर इधर अभी हमने चार लड़का अरेस्ट किया, लड़के ना नंबर मिला कर दिया, बोल रहा घर पे बात करनी है, कुछ तहकीकात के लिए कॉल कर रहे हैं. सर कितने बेटे आपके? जी हाँ, कहाँ से? सदर थाने से बात कर रहा हूँ. सर कितने बेटे आपके? कौन से लड़के हैं? चार लड़का अरेस्ट हुआ, लड़के ना नंबर मिला कर दिया, बोल रहा घर पे बात करनी है, कुछ तहकीकात के लिए कॉल कर रहे हैं. कितने बेटे हैं आपके? क्या हुआ सर? जी जी, लड़के कितने हैं आपके? दो लड़के हैं. दो लड़के हैं. बड़े बेटे का क्या नाम है? क्या नाम बता रहा है सर? वो तो आपको बताना है ना, कितने बेटे हैं, तहकीकात किस लिए कर रहे हैं हम. क्या नाम है आपके बेटे का? क्या हुआ है सर? सर इधर लड़का अरेस्ट हुआ, बोल रहा घर पे बात करनी है, कुछ तहकीकात के लिए कॉल कर रहे हैं ना. बड़े बेटे का क्या नाम है? राजू नाम है. हेलो, राजू नाम है. ये राजू क्या करता है? स्टडी करता है, जॉब करता है? राजू पढ़ता है. कितना एज है राजू का? 16 वर्ष है ना? जी हाँ. ये राजू आपका बेटा इधर पकड़ा गया, अरेस्ट हो चुका है, मालूम है आपको? नहीं. हाँ सर, मैं मैटर बता रहा हूँ, ध्यान के साथ मैटर सुन लेना. इसके साथ तीन लड़का और है, जो तीन लड़के हैं ना, उन लोगों ने ना 2 दिन पहले लड़की के साथ रेप किया था, उनके साथ बैठकर जा रहा था. वो बोल रहा सर मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कांड नहीं किया. आपके बेटे ने सर कभी ऐसा कांड किया है? नहीं सर. आपका बेटा शख्स से शरीफ अच्छा लग रहा था सर, इसलिए आपको कॉल किया गया. आप ये बताएं, इसको क्लियर कराना चाहते हैं, थाने में ले जाएं आपके बेटे को, राजू को? बात कराइएगा. बात भी करवा देते हैं सर, इधर मीडिया वाला लोग उम्र है, आपके बेटे को साइड पे बैठा कर आए हैं अभी साइड पे. आप ये बताएं क्या करना चाहते हैं अपने बेटे का? नालायक वो, उसको पहले मेरी बात होगी तब ना मैं जानूंगा कि वही है. हाँ मैं आपकी साहब से बात कर रहा हूँ, ये राजू के पापा है सर, बात कर लो. क्या बोल रहे हैं? हेलो. हेलो. हाँ नमस्कार सर. नमस्कार. हाँ बोलिए सर, क्या करना राजू का? क्या ये बोल रहे हैं? मेरी लड़का गिरफ्तार हुआ है. जी जी, आपका लड़का राजू इधर गिरफ्तार हुआ, तो आपको कॉल किया गया ना, ऐसे फालतू में थोड़ी समय हमारे पास. क्या किया उसने? और इसके साथ तीन लड़का, दूसरा तीन लड़का है ना, उन लड़के लोगों ने इधर 2 दिन पहले एक लड़की के साथ रेप किया, अभी वो लड़का लोग अरेस्ट हुआ है, उनके साथ आपका बेटा राजू अरेस्ट हुआ है. अभी बोलो इसका क्या करना चाहते हो, बारो बार क्लियर करवाना चाहते हो, थाने ले जाएं? थाने ले जाइए ना, वहीं मैं आता हूँ सर. देखो थाने में चला गया, लगभग ये 10 साल के लिए अंदर चला जाएगा. अगर बारो बार क्लियर करवाना है मुझे बता दो, टीम का जुर्माना लगेगा, बारो बार क्लियर हो जाएगा. हाई कोर्ट का वकील है जिसकी बेटी के साथ ये लफड़ा हुआ, आपका बच्चा शक्ल से शरीफ लग रहा है, अच्छे घर का लग रहा है. हाँ बोलो क्या करना है इसका? बात कराइए सर पहले. देखो सर, आपका बेटा मैंने साइड पे बैठाया हुआ इधर, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा मीडिया के ऊपर आए, अगर मीडिया के ऊपर आ गया फिर हमारे हाथ से बात निकल जाएगा. तो सर अभी आप लोगों बोलो क्या करना है. देखो अगर बारो बार क्लियर करवाना है, मैं अपना ये फोन पे गूगल पे नंबर दे देता हूँ, ये टीम का जुर्माना करवा दो इस नंबर पे. जैसे ही आपका जुर्माने का मैसेज आएगा, छोड़ते वक्त आपकी बात करवा देगा राजू से. हाँ साहब, हमणा ज करे हो तमने ऑनलाइन पेमेंट. प्लीज आवा फ्रॉड थी बचीने रहजो. सौथी पहला तो तमारो दीकरो दीकरी के अन्य संबंधी जेना माटे कॉल आव्यो छे तेने कॉल करीने खराई करी लो के आओ कोई बनाव बन्यो छे खरी, एटले वात त्याज फिनिश थई जशे. उतावळमां जराय पेमेंट करवानी जरूर नथी. આ સિવાય જો તમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારની ઓનલાઈન છેતરપિંડી થાય છે તો સાયબર હેલ્પલાઈન નંબર આપણી પાસે છે 1930, તેના પર કોલ કરીને પણ તમે ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. આવા જ ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયોઝ માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ કેપિટલના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ સાથે.